हेलो एवरी वन सो टूडे वी विल स्टार्ट विद न्यू चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं और डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं सो लेट्स बिग इन द चैप्टर चैप्टर फोर्टीन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन लर्निंग ऑब्जेक्टिव बाय द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल लर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन तो इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजों के बारे में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट के क्या मीन्स हैं और कम्युनिकेशन के क्या हैं तो उन चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव टू डू अ स्मॉल एक्टिविटी मार्क द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन अब हमें टिक राइट लगाना है सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या थी सबसे पहले उसके आगे दिस इज द ओल यू ऑल कैन मार्केट नाउ लेट स्टार्ट द चैप्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चिल्ड्रन हाउ डू यू गो टू द स्कूल हाउ डू यू विजिट योर फ्रेंड्स और गो टू द मार्केट नियर बाय हाउ डू यू विजिट योर रिलेटिव इन फार ऑफ प्लेसेस अब आप लोग कैसे स्कूल जाते हो कैसे अपने रिलेटिव के घर जाते हो कैसे घूमने जाते हो कैसे अपने फ्रेंड्स के पास जाते हो तो कैसे जाते हो वी यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स बसेस trains. एंड एरोप्लेन्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर तो हम क्या क्या यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट में कौन सा टू व्हीलर फोर व्हीलर जैसे कि बस यूज करते हैं बहुत दूर जाना होता है तो ट्रेन से जाते हैं और ज़्यादातर थोड़ा दूर पास में ही जाना होता है तो हम साइकिल से भी जा सकते हैं और कार से भी जा सकते हैं और अपने स्कूटर से भी जा सकते हैं तो हमें ट्रैवल करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है ट्रांसपोर्ट की वी कैन नॉट यूज द सेम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो टू ऑल प्लेसेज अब लेकिन हर जगह आप एक ही ट्रांसपोर्ट से तो नहीं जा सकते अगर आपको बहुत ही दूर जाना है दूसरी स्टेट में जाना है तो आप तो तो अपने स्कूटर से नहीं जा सकते साइकिल से नहीं जा सकते उसके लिए आपको दूसरा ट्रांसपोर्ट चाहिए द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वी यूज डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस वी नी टू ट्रेवल एंड द मनी वी कैन स्पेंड तो अगर हमें आज के टाइम में कहीं भी ट्रैवल करना है तो ट्रैवल करने के लिए पहली चीज हमें जो सोचनी है वो की ट्रांसपोर्ट कि हमें कौन से ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना है और कितना डिस्टेंस हम दूर कवर कर रहे हैं अगर हमें बहुत दूर डिस्टेंस जाना है बहुत लंबा डिस्टेंस हमें कवर करना है तो हमें उस अकॉर्डिंगली अपना ट्रांसपोर्ट चूज करना पड़ता है और हमें मनी भी देखना पड़ता है कि कितने हम स्पेंड कर सकते हैं वन कैन नो अबाउट द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज फॉर रीचिंग डिफरेंट प्लेसेज फ्राम चार्ट गिविन बिलो तो हम ये जो चार्ट है इससे पता लगा सकते हैं कौन से अलग अलग ट्रांसपोर्ट को हमें यूज करना चाहिए डिफरेंट जगह तक पहुँचने के प्लेसेज टू गो स्कूल एनी नियर बाई प्लेस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वी कैन यूज फॉर गोइंग टू स्कूल बाईसाइकिल बस कार स्कूटर तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हम स्कूल के लिए यूज़ करते हैं नेबरिंग सिटी नेबरिंग सिटी मतलब ज़्यादा दूर ना हो पास में दूसरे शहर में जाना है तो बस कार स्कूटर या ट्रेन फार ऑफ प्लेस फॉर एग्जाम्पल कोलकाता चेन्नई अब आपको दूसरी स्टेट में जाना है तो उसके लिए ट्रेन या एरोप्लेन अनदर कंट्री एरोप्लेन या शिप आप या बिल्कुल दूसरी कंट्री में जाओगे या तो आप बाई एयरवेज, एरोप्लेन से जाओगे या फिर वाटरवेज शिप के थ्रू जाओगे देर आर थ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तीन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्ट लैंड ट्रांसपोर्ट पे क्या क्या आता है बस ट्रक कार स्कूटर बाईसाइकिल ट्रेन एंड रिक्शा ये सब हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट में आते हैं एयर ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर और वाटर ट्रांसपोर्ट में आता है आपका शिप बोट स्टीमर सेल बोट लैंड ट्रांसपोर्ट लैंड ट्रांसपोर्ट कंसिस्ट ऑफ व्हीकल्स दैट मूव ऑन ऑन रोड और रेल्स। तो लैंड ट्रांसपोर्ट पे वो वाले व्हीकल्स आते हैं जो रोड पर चलते हैं या फिर रेल्स पर चलते हैं ऑल व्हीकल्स वी यूज टू ट्रैवल ऑन लैंड हैव व्हील्स। तो जो भी व्हीकल्स हम यूज करते हैं लैंड पे ट्रैवल करने के लिए उनकी व्हील्स होते हैं सम व्हीकल्स हैव इंजन्स इंजन नीड पेट्रोल डीजल और गैस टू रद तो लैंड ट्रांसपोर्ट जो होता है जो हम रोड और रेल्स पे चलता है उनमें व्हील्स होते हैं तो कुछ व्हीकल्स ऐसे होते हैं जिनके पास इंजन्स होते हैं इंजन्स पे अगर कुछ व्हीकल्स चलते हैं तो इंजन्स को क्या चाहिए होता है पेट्रोल डीजल या फिर गैस चलने के लिए एयर ट्रांसपोर्ट अब एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है दीज आर द दीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट द ट्रेवल थ्रू द एयर इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो एयर ट्रांसपोर्ट होता है जो एयर के थ्रू ट्रैवल करते हैं तो ये सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी होता है एंड एरोप्लेन कैन फ्लाई अ वेरी हाई एट अ वेरी हाई स्पीड एरोप्लेन बहुत ही ऊंचा भी उड़ता है और बहुत ही तेज भी उड़ता है एंड एरोप्लेन कैन कैरी अ नंबर ऑफ पीपल एट अ टाइम एरोप्लेन में एक टाइम पे बहुत सारे लोग इकट्ठे ट्रैवल कर सकते हैं पर्सन हुई कॉल्ड और जो एरोप्लेन को उड़ाता है उसे पायलट कहते हैं एरोप्लेन टेक ऑफ एंड लैंड एरो लैंड करता है एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर कैन फ्लाई बट नॉट एज हाई एज एन एरोप्लेन इट कैन कैरी वेरी फ्यू नंबर ऑफ पीपल एट अ टाइम तो हेलीकॉप्टर उड़ता तो है लेकिन हेलीकॉप्टर उतना ऊंचा नहीं जाता जितना एरोप्लेन जाता है और हेलीकॉप्टर में कंपैरेटिवली कम लोग ही बैठ पाते हैं रिमोटली और बाय कंप्यूटर्स आर कॉल्ड ड्रोन तो कुछ ऐसे अनमैंड एयरक्राफ्ट भी होते हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय कंप्यूटर्स से कंट्रोल होते हैं वो आप लोगों ने देखे भी होंगे ड्रोन्स जो मोस्टली आज के टाइम में यूज होते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए और हर चीज का पता लगाने के लिए हम ड्रोन्स को रखने लगे हैं वाटर ट्रांसपोर्ट दीज आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट ट्रैवल अक्रॉस वाटर वाटर ट्रांसपोर्ट होता है जो पानी के क्रॉस ट्रेवल हो सके जिससे तो सेल बोट हम यूज करते हैं यूज की जाती है सेल बोट चलती है हवा से उसमें हवा किस साइड की है उसके अकॉर्डिंग वो मूव करती है तो वो बहुत ही छोटे डिस्टेंस को रिवर्स में क्रॉस करने के लिए हम रखते हैं सेल बोट्स का यूज बहुत शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए होता है अ शिप कैन ट्रैवल अक्रॉस सीज एंड ओशंस लेकिन जो शिप्स होती हैं वो बड़े बड़े सीज में चलती हैं बड़े बड़े ओशंस में चलती हैं इट कैरीज गुड्स एंड पैसेंजर्स फ्रॉम वन कंट्री टू एन अदर शिप्स में आप बल्क में सामान भी जाता है दूसरी कंट्री में और लोग भी ट्रैवल करते हैं योर वाइफ हाउ डू यू गो टू योर स्कूल फाइंड आउट ऑन वॉट फ्यूल ट्रांस तो आप स्कूल कैसे जाते हो कौन से लैंड लैंड ट्रांसपोर्ट से जाते हो तो और उसमें कौन सा फ्यूल यूज होता है वो आपको बताना है स्पीड बोट इज अ स्मॉल बोट इट ट्रैवल्स वेरी फास्ट अब होती है एक स्पीड बोट स्पीड बोट बहुत ही तेज चलती है और पानी में चलती है वो लेकिन एक छोटी बोट होती है इंपॉर्टेंस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं

और ना ही आप कोई सामान आप उसे भेज सकते कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू दनादर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन जब आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को देते हैं तो उस प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दो तरह की कम्युनिकेशन होती हैं। पर्सनल और इंडिविजुअल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन एक होती है पर्सनल कम्युनिकेशन और दूसरी होती है मास कम्युनिकेशन फैक्ट ट्रेजर द फर्स्ट सर्च इंजन वॉज आर्ची सर्च इंजन फ्रॉम द मैगल यूनिवर्सिटी इन नाइनटीन नाइनटी तो सबसे पहला जो सर्च इंजन बनाया गया था वो बना था उनका नाम था आर्ची सर्च इंजन जो मैगल यूनिवर्सिटी से था इन नाइनटीन नाइनटी पर्सनल और इंडिविजुअल कम्युनिकेशन पर्सनल और इंडिविजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है

टेलीफोन आ जाता है या पोस्ट जो हम लोग करते थे पहले मोबाइल फोन्स होते हैं शॉर्ट मैसेजेस जो आपको सिर्फ एक पर्सन से बात करनी है तो आप उसके नंबर पे कॉल करोगे और उससे बात कर लोगे तो वो पर्सनल कम्युनिकेशन हो गया या उसको मेल कर सकते हो पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम इनेबल द यूजर्स टू स्टैब्लिश डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो, तो पर्सनल कम्युनिकेशन से आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से मास कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन इनेबल्स मिलियंस ऑफ पीपल टू गेट द इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम मास कम्युनिकेशन में होता है कि उसमें बहुत सारे लोगों तक इंफॉर्मेशन एक साथ पहुंच जाती है इट इज़ अ ग्रेट वे टू प्रोवाइड एजुकेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट तो ये बहुत ही अच्छा आपका प्लेटफॉर्म है एजुकेशन प्रोवाइड करने का लोगों को और इवन एंटरटेनमेंट के लिए भी हम यूज़ करते हैं मास कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन सिस्टम कैन प्रोवाइड

पहुँचा सको तो वो रेडियोज़ के थ्रू भी होती है न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स के थ्रू होती है दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन नाउ वी विल डू द वर्ड्स टू रिमेंबर कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड थाट्स आइडियाज़ और थाट्स को एक्सप्रेस और एक्सचेंज करने को कम्युनिकेशन के ई मेल सिस्टम ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस ओवर अ कंप्यूटर जब हम कंप्यूटर्स के थ्रू अपने मेल्स को भेजते हैं लोगों तक तो अपनी बातों को भेजते हैं मैसेज देते हैं वो ई मेल होता है

तो इन्फॉर्मेशन को जो हम एक्सचेंज करते हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ वो हमारा इंडिविजुअल या फिर पर्सनल कम्युनिकेशन होती है द पर्सन फ्लाइज एन एरोप्लेन इज कॉल्ड अ पायलट और जो अ पर्सन हवाई जहाज या कट uh, जो पर्सन एरोप्लेन उड़ाता है उसको पायलट कहा जाता है विल डू द एक्सरसाइज टिक द करेक्ट ऑप्शन प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इंफॉर्मेशन को आप कैसे ट्रांसफर करते हो थ्रू कम्युनिकेशन विच ऑफ दस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट सबसे तेज चलने वाला ट्रांसपोर्ट कौन सा है एरोप्लेन अटैच इज यूज विवा की जरूरत होती है चलने के लिए सेल बोट विच ऑफ द फॉलोइंगल ऑफ वॉटर ट्रांसपोर्ट इसमें से वॉटर ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल क्या है सेलबोट

A dash can seas and क्या चीज है जो ट्रैवल कर सकती है Ship. Ship तो ऑल व्हीकल्स वी यूज ऑन लैंड है so have, have, जितने भी पर चलते हैं उनके व्हील्स होते हैं डैश कम्युनिकेशन सिस्टम इनेबल्स द यूजर्स टू स्टैब्लिश अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कौन सा कम्युनिकेशन सिस्टम है जिससे हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन टेक द करेक्ट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ईमेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन नो पर्सनल कम्युनिकेशन सेल बोर्ड यूज सेल बोर्ड को विंड की जरूरत होती है चलने के लिए येस टेलीविजन एंड रेडियो आर कॉल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया येस टेलीविजन और रेडियो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है टेलीफोन इज यूज टू कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल नो फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल So I hope you all have understood the chapter you can go through it once again and do the rest of the exercises yourself we'll meet in the next video with the next chapter till then bye bye take care thank you